My name is Life and welcome to my channel. Guys, मैंने आपको बताया था कि दिवाली भी आ रही है, तो कुछ तो आता ही है। तो guys, ये मेरे पास पटाखे रखे हैं, आपको दिखाता हूँ। Guys, आप देख सकते हैं थोड़े से ज्यादा लगेंगे, मुझे नॉर्मल लग रहे हैं। ये कौन है? हेलो, हाय कर दो भैया जी। तो guys, ये है वो मोटे वाले साइज के हैं। पांच है ये। ग्रीन फायरवर्क्स हैं, मतलब ग्रीन क्रैकर हैं, और इससे ज्यादा धुआं प्रोड्यूस नहीं होगा। और ये कॉक ब्रांड के हैं। खुल जा, सिम सिम खुल गए। और गाइस, का साइज देखिए कितना बड़ा है, मतलब टोटल हुए 15। ये होते हैं इतने, ये इतने होते हैं, छोटे साइज के होते हैं। और ये गाय है, हम इसे थोड़े से ही लाए हैं। पिछली बार हम ज्यादा लाए थे क्योंकि ज्यादा नॉइस प्रोड्यूस होती है इनसे, तो इसलिए हम कम लाए छोटे वाले। और चरखी भी हम एक पैकेट लाए हैं इस बार भी। ये रही चरखी, और ये है बिजली बम। ये हम दो पैकेट लाए हैं, दो पैकेट लाए थे गाइस। ये है स्काई शॉट, ये क्या थंडर, थंडर, हाँ थंडर। ये हम दो पैकेट लाए हैं ऐसी सेम। ये स्काई शॉट है, ये भी वैसे चलेगा। ये विसल वाले हैं, मतलब सीटी वाले हैं, ये बहुत अच्छी आवाज करेंगे। मैं आपको बता दूं कि ये जो रॉकेट है ये ऊपर जाके फटते हैं बहुत ऐसे। हम दो पैकेट, दो पैकेट। और सबसे जो कुंग फू सबसे अच्छी चीज ये लगती है। तो गाइस, यही हमारे पटाखे हैं, आपको थोड़े से कम लग रहे होंगे। एक पटाखा रह गया है, हम वो कुंग फू के बारे में बता देते हैं। आपको बताया कि इस बार हम इसलिए कम लाए हैं क्योंकि पॉल्यूशन भी ज्यादा ही फैलेगा। इस बार हम बहुत सारे लाए थे वहाँ पे, आपने देखा नहीं है तो देखो, आपको लिंक नहीं मिलेगा, मेरे चैनल में से जाके देख लेना। मैंने देखा कि ये बाहर कैसे डेकोरेशन हो रही थी, अभी भी हो रही है यार। और गाइस, मैं आपको एक चीज दिखाता हूँ। तो गाइस, ये है वो गोल्डन लाइट और बहुत ही बड़ी है, आप भी चाहे तो खरीद सकते हैं, 200 रुपए की है। और सबके घर में ही सफाई होती है, और दिवाली भी आने वाली है। और सबसे इम्पोर्टेंट बात बताऊँ, सबसे किसी को बताना मत कि कल मेरा बर्थडे। और ये मेरे हिसाब से जब ये ब्लॉग आएगा, जब मेरा बर्थडे भाग भी गया होगा, बर्थडे वाला जब ब्लॉग आएगा, जब बर्थडे चला जाएगा। ये बताऊँ कितनी है, ये जो लाइट्स हैं, ये हैं पता नहीं। गाइस देखिए, हमारे घर पे दिवाली की डेकोरेशन हो चुकी है। यहाँ पे टेंट लग चुका है, ये दिख रहे होंगे। और ये बड़ा ही सुंदर लग रहा है, और इसके आगे फ्लावर भी लग रहे हैं, देखिए वहाँ पे दिख रहे हैं। और अभी अम्ब्रेला भी अंकल टांग रहे हैं, अभी आपको इसे फ्रंट से और दिखाता हूँ। और गाइस, आपको ये भैया दिख रहे होंगे बड़ी मेहनत से ये अम्ब्रेला लगा रहे हैं, और इनका एक तो लगी गया है। इनका बड़ा ही खतरनाक खेल है, गिर भी सकते हैं, तो ये ट्रेंड होते हैं जैसे गिरे नहीं। और इन्होंने यहाँ पे फ्लावर भी लगा दिए, बहुत ही सुंदर लग रहे हैं। और जब इन पे लाइटर लग जाएगी, जब ये कंप्लीट हो जाएगा, मैं आपको अच्छी तरीके से ये दिखाऊंगा। और गाइस, ये ऊपर से कुछ ऐसा दिखता है, ऊपर से भी बहुत ही सुंदर लग रहा है। और सब देख सकते हैं कि कितनी सजावट हो रही है, और सबने अपने यहाँ पे डेकोरेशन के लिए क्या क्या लगा रखा है, फ्लावर वावर लगा रखे हैं, जैसे लोग आके खरीदे। आपके यहाँ भी ऐसे ही लगे होंगे। सब अपने घर पे तैयारी कर रहे हैं साफ करने की। हमारे घर पे भी सफाई चल रही है दिवाली की। जैसी शाम होगी, हम अपने घर पे झालर लगाएंगे, और वो बहुत ही सुंदर लगेंगी। पहले मुझे उसे निकालना पड़ेगा, फिर साफ करना पड़ेगा, उलझी हुई है वो, फिर उसको उलझाई करके फिर उसे हम लगाएंगे। और हमने इसके लिए एक लंबी सी लाइट ली है, वो गोल्डन कलर की, और वो बहुत ही सुंदर लगेगी। और गाइस, आपने जितने भी हमारे पटाखे देखे, वो सारे हम कॉक ब्रांड के लाए हैं, और सारे ग्रीन फायरवर्क्स हैं। और ग्रीन फायरवर्क्स का मतलब है वो बहुत ही कम पॉल्यूशन जो करते हैं एनवायरमेंट में। गाइस, शाम जो है हो चुकी है, और झालर निकालनी है। अभी मैं आपको दिखाता हूँ हमने कैसे पैक करी थी पहले। टेप भी लग रही है, इसे हटाते हैं। गाइस, ये रही वो लीड, और ये बहुत ही ज्यादा लंबी है। झालर होती है, उसे कनेक्ट करना होता है यहाँ से। और गाइस, ये रही हमारे झालर है, इन्हें अब एक एक करके बाहर निकालना पड़ेगा, और देखना पड़ेगा जल्दी है नहीं। गाइस, मैं आपको एक चीज बताना भूल गया कि आप ये जो चिड़िया की आवाज आ रही है ना, इनमें से एक चिड़िया ने हमारे बच्चे तो पैदा ही होते रहते हैं, तो बच्चों के सर में बहुत तेज मार दिए, दो दो बच्चों के, ओए क्या पीछे, हाँ, और कुछ बच्चों के मार दिया उन्होंने। तो हमने क्या करा, वो जो दूसरे पिंजरे में थी, हमने उसको साइड करा जिसने मारा, और ये जो बच्चे थे ना, इनको हमने एक पिंजरे में, पिंजरा नहीं है, ये बनाया हमने छोटा सा गोल्डन कलर का घर। और हमने ये जाली इसलिए लगाई है कि इनको हवा आए, और चूहा वूहा कभी अंदर घुस के मारे ना। अभी मैं आपको इसको खोल के दिखाता हूँ। अरे खुलता, हाँ
इनके चोट भी लग रखे है, एक इस साइड है गाइस और एक इस साइड है। और गाइस हमने एक कार्डबोर्ड भी इसलिए लगा दिया था क्योंकि ये आपस में दोनों लड़ाई कर रहे थे, तो हमने इनके ये कार्डबोर्ड लगा दिया है जैसा भी ये लड़ाई ना करें, और एकदम अभी ये चुप बैठे हुए हैं। तो गाइस मैं ऊपर आ चुका हूँ, मैंने देखा कि रिकुल भैया बहुत सारी झाले लगा रहे हैं। वैसे मैंने भी मदद कराई थी थोड़ी सी, इस वजह से मेरे पे रोशनी आ रही है और एकदम काला हो गया है, ब्लू सा। शाम को शुरू करा था, अभी ऑलमोस्ट हमारा कम्प्लीट हो चुका है। अभी ये झालर है और हमने एक एक्स्ट्रा ऐसे लाइट लगाई है, रिकुल भैया इसमें काम कर रहे हैं। और हमने नीचे भी लगाई है कुछ झालर, वो है इस कलर की है जैसे ये मैचिंग मैचिंग, और रिकुल भैया काम कर रहे हैं। बहुत सारे कीड़े आ रखे हैं यहाँ पे, ये रिकुल भैया को काम करने नहीं दे रहा चांस। और हमने लास्ट तक लगाई है और अभी हम इसको ठीक करेंगे, टेढ़ी मेढ़ी सी हो रही है थोड़ी सी। गाइस ये रही वो मेरी सारी लाइट जो मैंने आज लगाई है, और ये बहुत ही ज्यादा सुंदर लग रही है। और मैंने इसमें एक ही पैटर्न लगाया है सारा येलो कलर का, और हमने सारी येलो कलर के एक साथ हमने इसमें LED भी लगाई है, आपको दिख रही होगी बहुत पतली लाइन है LED की। ये है मेरे फ्रंट का व्यू, बहुत ही सुंदर लग रहा है। और हमने यहाँ पे ग्रीन कलर की लाइटर लगा दी थी क्योंकि यहाँ पे बहुत ही वैसा लग रहा था सोना सोना, तो फिर हमने यहाँ पे लाइटर लगाई थी। और यहाँ पे हमने गेट के ऊपर एक पिंक कलर की LED और लगा दी है, और बहुत ही सुंदर लग रही है ये भी। पापा, नुकसान लग रहा है।